जी उनका जो है एक स्मार्ट वॉच है जो कि आपको 1500 रुपये तक में काफ़ी अच्छा स्पेक्स के साथ आ जाते हैं, जो कि अभी मैंने परचेज कर रखा है और आपके लिए इसको जो है अनबॉक्सिंग भी करना है। तो ये है वो वॉच जो कि स्मार्ट वॉच, और आप पीछे तरफ देख सकते हैं इसका जो बाकी सारे सेंसर हैं वो सारे अवेलेबल है यहाँ पे, और आगे की तरफ आपको 1.69 का जो है एक TFT स्क्रीन मिल जाता है जिसका निट जो है 450 nits इसका ब्राइटनेस है, और काफ़ी ब्राइट जो है ये है और इसका ब्राइटनेस काफ़ी अच्छा है। और इसका थिकनेस का बात करें तो ये लगभग 9.something mm का है जो कि एक स्मार्टफोन के बराबर है। अगर हम इसको अपने कलाई पे रखें तो आप देख सकते हैं कि इसका जो थिकनेस है वो कितना इसका मोटाई है और किस तरह का जो है ये दिखता है। तो काफ़ी स्मार्ट जो है इसका कलर भी आता है, और 2 कलर में 3 कलर में ये अवेलेबल है। आपको जो है एक ब्लैक मिल जाएगा और एक ये है और एक ब्राउन है, तो ये ब्लू और ब्लैक के साथ भी काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है क्योंकि इसमें जो सिल्वर का आपका साइड मिल जाता है। हालांकि जो वॉच है ये पूरा का पूरा प्लास्टिक बिल्ड है, कहीं भी आपको इसमें मेटल नहीं मिलता है। सामने की तरफ स्क्रीन और पीछे की तरफ जो है आपको ग्लास मिल जाता है। आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखें ताकि इसके बारे में आपको सारा जानकारी मिल सके और आप एक अच्छा स्मार्ट वॉच बाय कर सकें। तो इस तरह का इसका बॉक्स पैकिंग है, और बॉक्स को खोल के हम देख लेते हैं। तो एक्चुअली ये बॉक्स जो है हमें ओपन बॉक्स स्कीम में मिला, यानी कि अभी जो डिलीवरी दे रहा है वो ओपन बॉक्स के थ्रू ही देता है। आपके सामने जो है आपका बॉक्स को ओपन कर दिया जाता है और आप जो है अपना प्रोडक्ट को देख सकते हैं कि वो सही है कि नहीं, उसके बाद ही आपको डिलीवर किया जाता है। तो देखिए इस तरह से ये जो है पैक होके आता है, और इसके अंदर आपका वॉच जो है बिल्कुल इस तरह से पीछे से जो है इसको डाला हुआ रहता है। तो चलिए इसको हम बाहर कर लेते हैं। तो ये वो वॉच है आपका। उसके बाद आ जाता है एक डेटा केबल, आपको जो है चार्जिंग के लिए मिलता है जो कि मैग्नेट के थ्रू ये अटैच होता है। तो अभी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो इस तरह से इसे हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे आप देखेंगे जो इसका कनेक्टर है चार्जर के लिए, उस जगह पे आपको इसका जो पिन है वो यहाँ पे रखना होगा। ये ऑटोमेटिकली जो है ये टच हो जाता है, और मैग्नेट कितना स्ट्रांग है उसे देखने के लिए जो है हम इसे हैंग करते हैं। तो देखिए ये हैंग हो चुका है, तो काफ़ी स्ट्रांग मैग्नेट भी इसका जो है प्रोवाइड किया गया है। वॉच को अगर आप नज़दीक से देखें तो पूरा जो है प्लास्टिक बिल्ड है। आप इस तरफ भी देखेंगे इसके डायल की तरफ भी, तो ये भी प्लास्टिक बिल्ड है। सिल्वर का जो है फिनिशिंग दिया गया है, और जो स्ट्रैप है ये भी काफ़ी स्ट्रांग है। मैंने पहले भी इसे इस तरह से अटैच जो है थोड़ा खींच के देखा था। और जो आपको हुक मिलता है, हुक बिल्कुल मेटल का है और काफ़ी स्ट्रांग भी है, और हुक के ऊपर भी आप देख सकते हैं एम्ब्रेन का जो है ब्रांडिंग किया हुआ है। तो काफ़ी जो है छोटे छोटे चीज़ों पे भी ध्यान दिया गया है जिससे कि काफ़ी प्रीमियम ये देखने में लगता है। तो स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कि स्टिकर लगा हुआ है, इसे हम रिमूव करते हैं। और जितने भी ऐप हैं इसे आप स्क्रॉल करके जिस भी ऐप के पास जाएंगे उसका जो आइकन है वो पहले से बड़ा हो जाएगा ताकि आप आसानी से वो यूज़ कर सकें। और ऑलमोस्ट 90% जितने भी सेटिंग्स और ऐप हैं वो सारे चीज़ आपको इस जगह पे जो है मिल जाएंगे, जो स्क्रॉल करने के बाद आपको मिल ही जाएगा। और अगर हम वॉच फेस का बात करें तो आपको इसे आप लॉन्ग प्रेस करके जो है आप जैसा भी चाहे उस तरह का जो फेस वॉचेस है वो आप लगा सकते हैं। और ये जो है आपको प्रीसेट 6 मिल जाता है, बाकी आप ऐप के थ्रू देख सकते हैं। तो आपको ये जो बटन है इसे डायल को अगर आप एक बार प्रेस करते हैं तो आप बैक आ जाएंगे। इसी को अगर आप ऊपर से स्क्रॉल करते हैं तो आपको जो भी सारे ऑप्शंस हैं वो आपको जैसे हर्ट रेट सेटिंग वगैरह, टॉर्च और थीम वगैरह का आपको ऑप्शन मिल जाता है। ये आप शॉर्टकट इतना देख सकते हैं। और अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ स्वैप करते हैं तो सारे ऐप के आइकन्स आपको मिल जाएंगे। तो अब मैं आपको जो है ऐप से इसे कनेक्ट करके जो भी फीचर्स है वो सारे मैं आपको बता देता हूँ। तो इस वॉच को कंट्रोल करने के लिए आपको जो है द फिट नाम से एक ऐप आता है जिसे आपको इंस्टॉल करना है गूगल प्ले स्टोर में, या फिर आप बॉक्स को स्कैन करके भी जो है इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। बॉक्स के ऊपर दिया गया है इस जगह पर, आप देखेंगे स्कैन करने का ऑप्शन है, तो आप इसे भी स्कैन करके इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। और देखिए वॉच फेसेस आपको यहाँ पर जो है 6 प्रीसेट्स मिलते हैं, और बाकी आप नीचे की तरफ देखेंगे तो मोर वॉच फेसेस का जो ऑप्शन है उसे आप प्रेस करके यहाँ से ऑनलाइन जो है 100+ फेस वॉचेस है, आप जो भी चाहें वो इसमें लगा सकते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे दूसरा ऑप्शन तो नोटिफिकेशन का मिल जाता है, आप जिस भी ऐप का नोटिफिकेशन चाहते हैं उसे आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद आपको अलार्म का ऑप्शन मिलता है, आप अपने वॉच में अलार्म लगा सकते हैं। इसमें जो है आपको इनबिल्ड स्पीकर भी मिल जाता है जिसके वजह से जो है आपको
इसमें आपको अलार्म का जो है वॉइस भी सुनाई देगा और वाइब्रेट भी ये करता है। उसके बाद आपको आ जाता है शटर का। शटर का ऑप्शन में जैसे ही आप जाते हैं तो आपका जो है कैमरा ओपन हो जाता है और जो है यहाँ पे आपको शटर का ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो जो फोटो है वो आपका मोबाइल जो है ले लेगा। और उसके बाद आप देखें तो आपको शटर के बाद फेवरेट कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसे आप ऐड करने के बाद आप अपने वॉच से जो है किसी को भी कॉल कर सकते हैं, जिसका भी आप कॉन्टैक्ट इसमें सेव करके रख लेंगे। उसके बाद आ जाता है अदर का, जिसमें आपको सेटिंग्स में सारे सेटिंग्स डू नॉट डिस्टर्ब रिमाइंड मी और कंटिन्यू हर्ट रेटिंग, यानी कि पूरा वॉच का कंट्रोल आपको जो है यहाँ से बाकी का सारा अदर में मिल जाएंगे। और अगर वॉच में किसी भी तरह का अपडेट आता है तो आप अपग्रेड के थ्रू इसे अपडेट भी कर सकते हैं। तो चलिए कुछ बेसिक्स ऐप्स के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। तो ऊपर आपको वेदर मिल जाता है, जो कि आपके मोबाइल से कनेक्ट होने के बाद वेदर का जो है स्टेटस बताते रहेगा। और उसके बाद कॉल का ऑप्शन है, तो कॉल अभी मैंने जो है असाइन नहीं करके रखा है, आपको ऐड करना होता है नंबर, जिस भी आप नंबर को ऐड करके रखते हैं फेवरेट में उसे आप कॉल कर सकते हैं। फिर आ जाता है सेटिंग्स। सेटिंग्स में आप देखेंगे तो आपको सबसे ऊपर मिल जाता है डिस्प्ले का ऑप्शन, जिसमें आप ब्राइटनेस, ऑटो लॉक और वॉच लॉक, वॉच फेस, ये सारे मेनू आपको मिल जाता है। और अगर आप ब्राइटनेस में जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस इसमें दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। आप लेफ्ट साइड से जब भी स्वैप करेंगे तो ये बैक होगा। और फिर हम अगर इसके बाहर आ जाएं तो फिर ढेर सारा ऑप्शन आपको स्पोर्ट्स का मिल जाता है, थीम का मिल जाता है, SPO2 का मिल जाता है, कॉल हिस्ट्री का मिल जाता है, टेम्परेचर का मिल जाता है, स्लीप मॉनिटरिंग का मिल जाता है, और सारे जो है वॉच फेसेस वगैरह का, टेम्परेचर का, शटडाउन का, कैमरा शटर का, और गेम भी आपको इनबिल्ड इसमें मिल जाता है। तो तीन गेम आपको इनबिल्ड मिल जाता है, जो कि मैं खेल के नहीं बताऊंगा अभी, पर आप खेल के जो है इसे देख सकते हैं, तीनों ही रन होता है। टॉर्च का ऑप्शन एक आपको मिलता है, जिसमें आप देखेंगे तो डिस्प्ले को जो है ब्राइट वाइट कर देता है, जिससे कि आप बिल्कुल अंधेरे में कुछ भी ढूंढ पाएंगे। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ म्यूज़िक कंट्रोल करने का जो है आपको मिल जाता है। तो ऐसे जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे आपके मोबाइल में जो भी गाना बज रहा होगा वो प्ले हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा, और आप उसका वॉल्यूम भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो काफ़ी अच्छा फीचर्स, सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल है जो भी एक स्मार्ट वॉच में होना चाहिए। और सबसे अच्छा इसमें कॉल फीचर मिल जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ इनबिल्ड स्पीकर का जो होल है इस जगह पर लेफ्ट साइड में दिया गया है, जो कि वाटरप्रूफ है। और ऊपर की तरफ आपको जो है माइक का होल दिख जाएगा इस जगह पर, जो कि आपका वॉइस रिसीव यहाँ से करेगा। और ऊपर देखें आपका यहाँ चार्जिंग के लिए दिया गया है मैग्नेट स्ट्रेप, यहाँ पे जो है कनेक्ट होता है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो एम्ब्रेन का ब्रांडिंग वगैरह किया गया है, और सारे सेंसर इसी जगह पे जो है अवेलेबल किया गया है। तो यही था ये वॉच का जो है जितने भी सारे फीचर्स हैं, और काफ़ी अच्छा फीचर्स इस वॉच का मुझे लगा, और मैं बोल सकता हूँ कि आप आराम से इसे ले सकते हैं। आपको अफोर्डेबल प्राइस में ये आ जाता है 1500 रुपये तक में, तो काफ़ी अच्छा जो है इसका डिस्प्ले भी है 1.69, नीचे की तरफ थोड़ा सा बेजल्स है, बट जो वॉच है वो काफ़ी स्मार्ट देखने में लगता है। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे।